श्रीदेवी का पॉपुलर शो उतरन तो आपने देखा ही होगा, जिसे साल 2008 में टीवी पर रिलीज किया गया था और शो में नजर आए सभी कलाकारों ने अपने किरदार को बखूबी निभाया था। लेकिन इस धारावाहिक में नजर आई दो प्यारी चाइल्ड आर्टिस्ट के बिना शायद ये शो कंप्लीट हो पाता, जिन्होंने इच्छा और तपस्या के बाल कलाकारों में जबरदस्त अभिनय करके शो को और भी ज्यादा पॉपुलर बनाया था। और इन्हीं दो क्यूट चाइल्ड आर्टिस्ट को देखने के लिए ही लोग इसके दूसरे एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी मासूमियत से सभी का दिल जीतने वाली आपकी ये दो चाइल्ड आर्टिस्ट आज कहाँ हैं, क्या करती हैं और कैसे दिखती हैं? अगर आप भी इनसे जुड़ी इन सभी बातों से रूबरू होना चाहते हैं, तो बस बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और साथ ही इन दो खूबसूरत चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए पहले बात करते हैं सीरियल उत्तरण में तपस्या के किरदार में नजर आई चाइल्ड आर्टिस्ट के बारे में, जिनका असली नाम इशिता पांचाल है। वह इनका जन्म 1 दिसंबर 1998 में मुंबई में हुआ था, इसीलिए इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई मुंबई से ही पूरी की। अगर बात करें इस ब्यूटीफुल चाइल्ड आर्टिस्ट के एक्टिंग करियर की, बता दें कि इशिता पांचाल ने साल 2007 में आए सीरियल अंबर धरा में शानदार अभिनय करके अपना पहला कदम टीवी पर रखा था, जिसके बाद इनके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए इन्हें अगले साल ही साल 2008 में लोकप्रिय धारावाहिक उत्तरण में तपस्या के रूप में मुख्य किरदार निभाने के लिए शानदार मौका मिला। और इस शो के बाद ये इतनी पॉपुलर हो गई कि किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। बता दें कि उस वक्त ये सिर्फ 10 साल की थी और इस उम्र में इतनी पॉपुलैरिटी हासिल करना कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन इशिता अपने अच्छे प्रदर्शन के चलते खूब सुर्खियों में छा गई। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके टैलेंट को देख इन्हें फिल्म एक विवाह ऐसा भी में अभिनय करने का एक और सुनहरा मौका मिला। और इस फिल्म में भी इनके नटखट और चुलबुले अंदाज को दर्शकों ने खूब पसंद किया था, जिसके चलते आज इन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। इस सीरियल में इच्छा का चाइल्ड रोल निभाने वाली अभिनेत्री का असली नाम स्पर्श खनचंदानी है, जिनका जन्म 11 अक्टूबर साल 2000 में मुंबई के उल्लासनगर में हुआ था, इसलिए इनकी पूरी पढ़ाई यहीं से हुई। बात करें इनके एक्टिंग करियर की, तो उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2007 में प्रसारित किए गए शो दिल मिल गए से की थी। उस वक्त ये सिर्फ 7 साल की ही थी, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने अपने किरदार को बहुत ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारा, जिसे देखकर लोग काफी प्रभावित हुए थे। और इसके बाद इन्हें पॉपुलर शो उत्तरण में अभिनय करने का दूसरा मौका मिला। इस सीरियल में भी इनके अभिनय को दर्शकों ने काफी सराहा था, इसलिए ही आज इन्हें लोग इच्छा के किरदार के लिए जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि छोटे पर्दे पर धमाका मचाने वाली ये बाल कलाकार हॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अपना कमाल दिखा चुकी है। लेकिन आज सीरियल उत्तरण को खत्म हुए लगभग 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं और इन 5 सालों में इच्छा और तपस्या का किरदार निभाने वाली ये दो चाइल्ड आर्टिस्ट भी काफी बदल गई हैं। जहां इशिता पांचाल ने अपनी 22 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है, तो वहीं स्पर्श 20 साल की हो गई हैं। दोनों के फेस पर आज भी वही चमक बरकरार है जो हमें सीरियल उत्तरण में देखने को मिली थी। साथ ही ये सीरियल में जितनी मासूम और चुलबुली नजर आई थी, हकीकत में भी ये उतनी ही नटखट और चुलबुली हैं, जैसा कि आप इनकी तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। लेकिन जहां इशिता पांचाल ने साल 2010 में आई फिल्म भूत एंड फ्रेंड के बाद अपने एक्टिंग करियर को विराम दे दिया, वहीं स्पर्श खनचंदानी मुंबई में रहकर अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने करियर पर भी पूरा फोकस कर रही हैं, जिन्हें साल 2018 में आई फिल्म हिचकी में अभिनेत्री रानी मुखर्जी के साथ अभिनय करते हुए देखा गया था, जिसके बाद इन्होंने सीरियल विक्रम बैताल की एक रहस्य गाथा में भी अभिनय किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इशिता पांचाल ने एक्टिंग की दुनिया से पूरी तरह नाता तोड़ लिया हो। खबर है कि इशिता भी अब जल्द ही एक्टिंग की दुनिया में दोबारा अपनी खूबसूरती के साथ नजर आने वाली हैं। वेल, इच्छा और तपस्या के किरदार में नजर आए इन दो बाल कलाकारों का ये बदला हुआ चेहरा आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और दिलचस्प खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।